नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूँ अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम बताते हैं आपको भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी, वो कस्बे में घूमकर लीलाधारी नगर पहुंच चुकी है और यहाँ पर आकर एक जनसभा में परिवर्तित हो गई है। यहाँ पर सभी भक्तजनों को साधु संतों ने आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहे। भामाशाह प्रताप भाई पुरोहित ने भी अपनी बात रखी और विप्र समाज के सभी सकल ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म प्रेमी जो यहाँ उपस्थित थे, उन सभी के भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके श्री चरणों की रज से हम यहाँ पर पवित्र हो गए, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में अनुरोध करूंगा हमारे बीच में स्थानीय मंडल कस्बे के थाना अधिकारी महोदय माली साहब भवरलाल जी कि आप मंच पे पधारें। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि पास में ही सड़क है, साधनों का आना जाना हो रहा है, आप खुद अपना ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें। गन्ने की रस की लाल ब्रह्मचारी तीर्थानंद जी महाराज कैलाश आश्रम मठ खांडा देवल विद्यमान पधारे हैं, आपके बहुमान के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्थानीय कार्यकारिणी के सदस्यों से कि वो पधारे एक बार। भलो भाई गुरु दसमुख भाई आ जाए, खान जी फौजाराम जी रावत आ जाओ, फौजाराम जी एक बार, महेंद्र जी बोरा पधारे एक बार। बाप जी का शॉल से फूल माला से स्मृति चिन्ह लेकर के बहुमान करेंगे कांतिलाल जी। आत्माराम जी बजाओ आ जाओ एक बार, बाबू जी का स्वागत कर दो। बाबा जी महादेव जिनका आज जन्मोत्सव है, बड़े धूमधाम से आज हमारा समाज बड़े गर्व के साथ इसको आज मना रहा है, सबका बहुमान करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अमृत भाई सैन जिनके मन की आवाज बहुमान करेंगे। जहां भी कोई कार्यक्रम होता है अमृत जी वहां पहुंच जाते हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले श्री श्री 1008 विराजमान विजय योगी जी महाराज को कि हमारे इस समाज को एक नई दिशा धर्म की बात बताएंगे कि फिर सेवा के कार्य में हो दुगने जोश से काम करें। सेवकों के बिना कोई काम सफल नहीं होता और भगवान की उन पर कृपा है, भगवान जिनसे चाहते हैं उन्हीं की सेवा भी लेते हैं। तो आप लोग जो सेवा में है परशुराम भगवान आपका जीवन मंगलमय और सुखमय हो। और सभी यहाँ पर जो दूर दूर से पधारे हैं उन सब पर भी खूब खूब आशीर्वाद की वर्षा हो। और खूब खूब यहाँ से जो आपने उन बातों पर थोड़ा ध्यान भी देना और एक तीर्थानंद जी महाराज खांडा देवल से पधारे हैं, तो राजस्थान सरकार ने मान्यता भी दे दी है और इस सत्र से वो शुरू हो जाएगा।
आपका कोई भी बच्चा अगर इस वेद विज्ञान पाठशाला में प्रवेश चाहता है या उनके माता पिता चाहते हैं तो ठंडा देवल से संपर्क करें। तीर्थानंद जी स्वयं वहां रहते हैं, विराजमान है। तो ये भी एक समाज के लिए आज अच्छी घोषणा है, क्योंकि ब्राह्मण वेदों के पीछे ही चलता है। ठीक है, समय के साथ थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन जीवन की वास्तविकता कभी बदलती नहीं है। जीवन हमेशा एक संघर्ष से गुजरता है। सतयुग में भी वही हाल था, कलयुग में भी वही हाल चाल है। तो इस संघर्ष में खड़े रहना और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और वो मानव मात्र के लिए, इतना ही नहीं जीव मात्र के लिए, लेकिन सबसे पहले हम अपने घर को एक बनाएं, विप्र समाज को साथ में चलना सिखाएं और इतर सारी समाजों को साथ लेकर चलना सीखना है हमको। महाराज श्री ब्रह्मचारी जी तीर्थानंद जी महाराज कैलाश आश्रम मठ खांडा देवल की आप हमारे सभी भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करके लाभान्वित करेंगे। सभी गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरु शंकरम शंकराचार्यम केशवम माधवायणम सूत्र भाषुकितौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर हर महादेव। आज सब उपस्थित मंच पे संत वृंद एवं विप्र ब्राह्मण समाज, आज जो परशुराम आप जो है प्रकृति मनाते हैं मना रहे हैं, आज हमारे ब्राह्मण ब्रह्म में जो है ब्राह्मणों के सनातन धर्म के इन्होंने जो है ब्रह्म ऋषि ने ब्रह्म देव हैं, आज देव के रूप में ब्राह्मणों में जो है इनका अवतार जो हो करके आज हमारे देव इष्ट हैं। और आज इसमें जो है भगवान रूप जो है इनको दिया दे करके आज हम लोग इनके बंधन और एकत्र इनके उपलब्ध उसमें हुए हैं। तो आप लोगों से ये एकता हमारे जो है ब्राह्मण समाज के लिए और इस धरती पे जीव मात्र में वर्णों में मानुष्य जीवन में चार वर्णों के अनुसार ब्राह्मण तो जो है सर्वश्रेष्ठ ही है, ब्राह्मण कुल में ये जो है हमारे देव रूप है। तो इन्होंने जैसे महाराज श्री ने बताया कि इन्होंने छत्री का वर्ण करके जो है दुष्टों का किए हैं संहार किए हैं, इसी प्रकार से ये तो हमारे दर्शनीय चिंतनीय हैं। पैसा तो खूब लोगों के पास है, लेकिन पैसे को खर्च करने वाला प्रताप भाई पूर्व जैसा मन का प्रताप होना चाहिए। एक तो वो थे महाराणा प्रताप जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में किया, वो भी प्रताप थे, लेकिन उस प्रताप को सहयोग किसने किया था? भावाशाह ने। और इनमें दोनों गुण है, प्रताप भी है और भावाशाह भी है। निवेदन करूंगा प्रताप भाई पूर्व भगवान विष्णु के छठे अवतार ज्ञान शक्ति साहस और नम्रता के प्रतीक भगवान परशुराम के चरणों में वंदन। और आज उनकी जन्मोत्सव है, इसके लिए सभी को उनकी जन्म शताब्दी के लिए सभी को शुभकामनाएं अभिनंदन। परम हृदय खेतेश्वर महाराज पीठाधीश्वर श्री सीताराम जी महाराज की भी आज जन्म जयंती है, इसलिए आप सभी को उनको भी खूब खूब शुभकामना और अभिनंदन। मैं इस पर विराजमान हमारे परम हृदय संत सभी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ पर विराजमान सभी भूदेवों
मातृ शक्ति सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन वंदन। जिस प्रकार से अभी उद्घोष हो रहा था, कोई बोल रहा था कि जब जब ब्राह्मण बोलता है सिंहासन डोलता, मुझे ज्यादा वो सुना नहीं, लेकिन इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जब जब अन्याय हुआ है तो सबसे पहले आवाज ब्राह्मणों ने उठाई है। आप देख लीजिए, जब दनानंद का अत्याचार बढ़ा तब पंडित चाणक्य ने इसकी आवाज उठाई, और ब्राह्मणों ने कभी निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, परिश में काम किया, क्योंकि दनानंद का वध करने के बाद में एक दाशी पुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको इस मगध का राजा बनाया, मगध का नरेश बनाया। चाहते तो वो पंडित चाणक्य बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं। और ब्राह्मण ने हमेशा समाज परहित में काम किया है, 36 कौम को साथ में लेकर के काम किया है। और परशुराम भगवान एक ब्राह्मणों के नहीं है, जब इंसान महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, तो वो 36 कौम के हो जाते हैं, पूरे संसार के हो जाते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बंधुओं से भी निवेदन है कि परशुराम को छोटा मत करिए, ये 36 कौम के भगवान है। क्या जब जब भी जैसे महाराणा प्रताप है तो उन्होंने राजपूतों में राजाओं में वंश जन्म लिया, लेकिन हमारे 36 कौम के प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी क्षत्रिय है, लेकिन हम लोग उनकी सभी लोग जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म को छोड़ करके वो ऊपर उठ गए, महान है, इसलिए वो हमारे आदर्श है, इसलिए हम उसको सबको पूजते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तो हम छोटा न सोच करके हमारे को एक बड़ा सोचने के लिए 36 कौम के लिए हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों ने ब्राह्मणों को अग्रणीय माना था, और ब्राह्मण ने खुद कभी खुद के लिए नहीं कहा। जैसे महाराणा प्रताप के गुरु भी ब्राह्मण थे, छत्रपति शिवाजी के गुरु भी समृद्ध रामदास थे, और सभी जो अंबेडकर जी हैं उनके भी गुरु ब्राह्मण ही थे। उनका नाम तो था भीमराव राम जी सतपाल था, लेकिन उनके गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर, उन्होंने अपना नाम दिया। आज इसलिए भी अंबेडकर आज 36 कौम में और हमारे भारत के एक महान है, वो भी पूजनीय है। तो उनको भी ब्राह्मणों का सहयोग रहा, उनका गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर, अंबेडकर का नाम दिया। उनका रियल जो सरनेम था वो तो सतपाल था, लेकिन ब्राह्मणों ने जब जब भी आप मुगल साम्राज्य देख लीजिए, जब भी अकबर का शासन था तब भी बीरबल ने, जब जब भी कोई अन्याय होता था तो बीरबल आवाज उठाते थे, उनका उपनेम बीरबल था, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम महेश दास था। तो जैसे जैसे अंग्रेजों पे भारत में अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के शासन में भी जब जब भी अंग्रेजों का अत्याचार उठा तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ब्राह्मणों ने आवाज उठाई। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर, सौपेकर बंधु, लोकमान्य तिलक, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे के सारे लोग, वासुदेव बलवंत फड़के, जो बाकी लोगों ने, वो वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र के थे, बाकी लोगों ने समर्थन नहीं दिया, तो भीलों को इकट्ठा करके, भीलों की सेना बना करके वो वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजों के साथ में लड़े और उनको फांसी हुई। तो जब जब भी जरूरत पड़ी तो ब्राह्मण आगे आया है। आगे आने का मतलब हमको अहंकार नहीं करना है, किसी को किसी का अधिकार नहीं लौटना है। हमारा ब्राह्मण का फर्ज है कि सभी कौमों को साथ में लेकर के सभी का अच्छा हो, सभी की सभी संसार और सभी समाज बंधु सुख से रहे, यही है। एकता का मतलब ये नहीं है कि हमको एकता करके किसी को दूसरी कौम को नीचे दिखाना है, एकता का मतलब है एकता करके सभी को साथ में लेकर के सभी का काम करे, यही ब्राह्मण का कर्तव्य और फर्ज दोनों है। माला के लिए गणपत भाई जोशी वर्मा। एक बार पुनः तालियां जो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।